तो जी एक और नया दिन शुरू हो चुका है और नए दिन के साथ एक और नया सफर भी शुरू हो चुका है हमारा। तो भाई निकल पड़े हैं अपने एक और सफर पर। हम जा रहे हैं अभी हिमाचल बर्फ की खोज में। तो भाई मैं गया था मनाली दिसंबर में भाई, तब मेरे को स्नोफॉल मिली नहीं। तो अब जा रहे हैं हम दोबारा हिमाचल में ही नारकंडा में, तो देखते हैं भाई स्नोफॉल मिल जाए हमें। जहाँ तो भाई इसी होप में रहे कि स्नोफॉल हो, और देखते हैं। तो भाई अभी फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से रोड भी काफ़ी बंद है, तो देखते हैं अभी कहाँ से कहाँ डाइवर्जन लेना पड़ेगा हमें, कौन कौन से रोड ओपन है, चलते हैं भाई अभी। और भाई अभी जब लाइट होगी तो आपको हाईवे पे मिलवाते हैं और कौन है हमारे साथ इस ट्रिप पे। तो भाई अभी शिवा ढाबा पे आए और यहाँ पे पीते हैं एक कप चाय। तो भाई चाय आ चुकी है, अभी चाय पीते हैं यहाँ पे, एक कप पे निकलते हैं। और भाई इस ट्रिप पे हमारे साथ है करण अपना दोस्त। तो भी चाय पीने के बाद निकल चुके हैं और भाई ड्राइवर सीट चेंज कर चुके हैं हम भाई, अब चला रहे गाड़ी करण। आप भाई चंडीगढ़ तक ये चला रहे उसके, और भाई यहाँ पे डाइवर्जन आ चुका है एक। तो अभी भाई यहाँ से साइड रोड से जाएंगे अभी चंडीगढ़ के लिए। भाई आपको करनाल क्रॉस करने के बाद एक डाइवर्जन मिलेगा, तो आपको नीचे से जाना है वहाँ पे, ऊपर फ्लाईओवर से नहीं जा सकते। तो देखते हैं भाई अब कहाँ पे मेन हाईवे पे हम एंटर करते हैं दोबारा। तो भाई फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद वापस हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं। तो वह अभी शाहबाद पहुँच चुके और यहाँ पर भी डाइवर्जन है, लेकिन देखते हैं भाई अब निकल सकते हैं यहाँ से बीच, या अब साइड से जाना पड़ेगा हमें, देखते हैं। शाहबाद पहुँच गए? हाँ जी शाहबाद। तो भाई आ चुके हम यहीं से मेन हाईवे से ही, एंट्री मिल चुकी है हमें बस के पीछे। तो भाई हमारे साथ हमारे दो पुलिस के भाई आ रखे हैं भाई, तो इनकी वजह से हमें एंट्री मिल चुकी है यहाँ पे। तो भाई अभी एक और डाइवर्जन लिया ये शाहबाद में, ये जलेबी वाले पुलिस के नीचे से जाएंगे अभी हम मेन हाईवे को छोड़ के, और भाई इसके बाद देखते हैं अब कितने आगे हाईवे पे आते हैं दोबारा। तो भाई जलेबी वाला पुल क्रॉस करते एक यूटर्न आएगा, फिर यहाँ से हमें इस साइड जाना है यूटर्न लेके वापस। तो भाई ऊपर है जलेबी वाला पुल, तो वहाँ से यूटर्न लेके हम नीचे आ चुके हैं, अभी लोकल रास्तों से जाएंगे वापस नेशनल हाईवे। टूरिस्ट हमारे आ रहे हैं ना, उनको रास्ता मिल जाएगा बाकी। आपने सीधा वहीं जाना ना? अच्छा वो आगे तो बस आ गई ट्रक, वो बड़े ट्रेले आ रहे हैं, ये गलत आ रही है, भी बता इतनी जगह है ट्रेले की। और अभी अभी इतना जाम है, तो दिन में क्या हाल होगा यहाँ पे? पहले बस अड़ा दी नजर ले, बस लग गया आगे दिन में, तो यहाँ पे बहुत परेशान होगी, बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे। शाम के टाइम तो बना था अब तो हम तो वैसा ही सुबह के टाइम आए ना, तो सही है, इसीलिए छोटी गाड़ियों के लिए सही है रोड, बस और ट्रक के लिए नहीं है। तो भाई अभी जा रहे हैं ऐसे गांव के पतले पतले रस्तों से, तो ये देखो भाई ये गलत आ रहा है, इतना बड़ा ट्रक आ रही है रस्तों पे, आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे चलो अब तो ठीक है, निकल गए जल्दी, बस ये हम सही टाइम पे आ गए, और यहाँ दो घंटे लेट हो ना फिर होगा। तो वह रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद वापस हम मेन हाईवे पे आने वाले हैं। सामने आ गया भाई मेन हाईवे, ये आ चुका है मेन हाईवे। तो भाई अब इसके बाद सिर्फ अंबाला डाइवर्जन मिलेगा हमें, मिला तो, और देखते हैं भाई अंबाला पहुंच के क्या सीन है वहाँ पे। तो भाई सुबह जल्दी निकलने का हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमें यार जाम नहीं मिला यहाँ पे, अदरवाइज जो ये डाइवर्जन दे रखे हैं ना यहाँ पे, अब भाई बहुत जाम लगता है यार। तो भाई अम्बाला में यहाँ पे डाइवर्जन है, तो नीचे से जाएंगे अभी। तो भाई अभी हम अम्बाला, और जो भाई हमारे साथ दो भाई आए थे करनाल से हरियाणा पुलिस के, तो भाई वो यहाँ पे उतर चुके हैं, हमने उनको ड्रॉप किया है यहाँ पे अम्बाला में। ये रहे हमारे हरियाणा पुलिस भाई साहब। तो भाई चलते हैं आप वापिस।
अच्छा राम राम जी, ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई अभी चलते हैं, निकलते हैं भाई हम बारिश। तो भाई ये देखो यार, शायद ही आपने कभी नेशनल हाईवे NS44 को ऐसे देखा होगा भाई, इतना खाली। ये देखो भाई कुछ भी नहीं है रोड पे, और ये है भाई किसान आंदोलन की वजह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखो भाई बिल्कुल खाली रोड है। तो भाई अब चंडीगढ़ और शिमला के लिए हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। और भाई साहब ये देखो अम्बाला का ब्रिज आ चुका है, धनुष ब्रिज। और भाई अब है ना यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है चंडीगढ़ शिमला के लिए। और भाई साहब अब यहाँ पे रोक के हम अपनी जो गाड़ी के विंडो शेड से वो हटाएंगे, क्योंकि भाई विंडो शेड के साथ अगर चंडीगढ़ में गए तो चलान पक्का है। तो भाई यहाँ पर भी डाइवर्जन है, अभी एक गाड़ी भाई इस तरफ से जा रही है राइट साइड से, तो देखते हैं यही रास्ता होगा शायद सामने उधर। ये देखो भाई सामने उधर बैरिकेडिंग कर रखी है पूरे, भाई साहब बंद रास्ता है बिल्कुल वहाँ पे। ये देखो भाई खेतों के बीच में से जा रहे हैं, अभी ऑफ रोडिंग हो रही है, ऑफ रोडिंग चल रही है, पता नहीं भाई अभी क्या क्या चलेगा। ये फटे रास्ते दो, हम चलेंगे यहाँ से लेफ्ट, वो गया उधर, ये गया इधर, हम चलेंगे इधर चंडीगढ़ नीचे, ये रहा चंडीगढ़ राइट। ये देखो भाई यहाँ से चंडीगढ़ राइट लेना है और लाल रूबी राइट, तो हम जाएंगे अभी इधर। और ये भाई पता नहीं यहाँ पे बेवजह जा रहे हैं, इनको पता नहीं है ना, वो समझदार नहीं हमारी तरह है, बेवकूफ लोग, अनपढ़, उनको पढ़ना नहीं आता यार, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पता चला हम घूम के आ रहा है। एडिटिंग अपने हाथ में, डिलीट कर देगी वीडियो अगर गलत हुए तो। तो भाई ये देखो यार डाइवर्जन की वजह से ना यहाँ पे भी जाम है, जाम तो नहीं है लेकिन हाँ ट्रैफिक है, रास्ते भाई नैरो है, पतले पतले रास्ते हैं भाई, पर ठीक है निकल जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ अगर हम लेट आते तो भाई फंस जाते हैं यहाँ पे, तो फिर लेकिन भाई अपने को दिक्कत नहीं, अगर लेट आते फंसते तो भाई कोई नहीं, काटी तो मैं करण को ही देता, करण चलाता जाऊँ मैं, छुट्टी बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छुट्टी बहुत है भाई, आराम से बेशक से एक महीने रुक जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, दिक्कत नहीं है कहीं। करण किसी समझदार इंसान स्पॉन्सर कर रहा है, किसी समझदार इंसान ने कहा है अगर पैसा नहीं हो तो अमीर दोस्त बनाओ, अमीर दोस्त बनाओ भाई, ठीक है। वो स्कॉर्पियो अपने लेके आएंगे, तुम्हें घुमा के भी लाएंगे। तो भाई ट्रिप इसकी तरफ से स्पॉन्सर है, पूरा खर्चा ट्रिप का यही करेगा करण, बस गाड़ी मेरी है लेकिन खर्चा इसका है। सपने देखो ऐसे देखो तो सोच सकते हो, ये सच्ची हो रहा है ये। चलो आ जा भाई। तो भाई ये देखो यार आपको ना हर जगह पूरे यहाँ पे बोर्ड मिल जाएंगे, साइन बोर्ड की आपको किस तरफ जाना है, चंडीगढ़ के लिए किस तरफ, अम्बाले के लिए किस तरफ और दिल्ली के लिए किस तरफ। तो भाई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ लेकिन वो अगर आप आते हो तो भाई टाइम से सुबह जल्दी निकले, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो भाई यहाँ पे जाम में फंसोगे, और यहाँ पे ना इतने पतले रस्ते, इतने नैरो रस्ते है, आपको कितना टाइम लग जाएगा कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे भाई। तो ये अगर आप आना चाहते हैं इस तरफ तो सुबह जल्दी निकले भाई, यही है कुल मिला के, यही है जो था। चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं आगे के रास्ते। ये देखो भाई साहब बिल्कुल यार हरियाली कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, गेहूं के हरे भरे खेत, और ये देखो भाई साहब सरसों के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, गजब के लग रहे हैं भाई, गजब का माहौल बना रहे हैं। देखो यार यहाँ पे चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे भी पूरा आपको साइन बोर्ड बना रखे, डायरेक्शन है पूरी प्रॉपर। तो जैसा कि मैंने बताया भाई आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, आप दिल्ली से चंडीगढ़ आओ, आप हिमाचल जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, प्रॉपर रास्ते हैं, आपको डाइवर्जन है बट आपको गांव में से रास्ते मिल जाएंगे। तो भाई आ चुके हैं मेन हाईवे पे। भाई फुल कर दियो दोस्त, लबा लब बिल्कुल ऊपर तक। तो भाई क्या लीटर डीजल आया अभी, तो ये 8:30 बज चुके हैं, और भाई अभी हम हैं पंचकुला शिमला हाईवे पे। तो भाई अभी थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा यहाँ से हिमाचल में एंट्री करने के बाद। तो भाई ये देखो अब पहाड़ी रास्ते भी स्टार्ट हो चुके हैं, और यार बहुत ही जल्द अब एंट्री कर लेंगे हम हिमाचल में। तो जी ये एंट्री कर चुके हैं हम हिमाचल में, ये था हिमाचल का एंट्री गेट 80। ये देखो भाई साहब ट्रक रोड के नीचे चला गया बिल्कुल। तो भाई अभी ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ मैं, और भाई अभी अपना डिस्टेंस बचा हुआ है 150 किलोमीटर के आसपास। तो भाई अभी लिया यहाँ पे एक पी ब्रेक, और करण गया अभी। तो भाई सोलन पहुंचने वाले हैं, 7 किलोमीटर बचा, और भाई वो देखो वो सामने वो।
तो भाई ये देखो भाई सब टाइम का फुल यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, मार्केट चल रही है भाई। तो यार अभी ये सोलन पहुंच चुके हैं और भाई पता नहीं भाई को कुछ खाना है यार, क्या नाम है भाई उसका, कुलचा हम हिमाचली कुलचा भाई, पता नहीं क्या है, गोल कुलचा। और भाई को मिला नहीं यार अब तक, और उसके चक्कर में भाई चलवाई जा रही है, तो नहीं कुछ खा ले रुक के आराम से, कहता खाना है तो वही खाना है, नहीं कुछ नहीं खाना है। चला है तो वो जरूर खाओ, तो भाई मिलेगा तभी तो खाएंगे। मिलेगा जरूर मिलेगा। तो भाई फाइनली यार जो भाई को चाहिए था कुलचे वो मिल चुके हैं, तो भाई अभी खाते हैं कुलचे यहाँ पे, भाई की तमन्ना पूरी हो चुकी है। तो ये छोले कुलचे खा के निकल चुके हैं और भाई ये देखो कैंपा चल रही है अभी, इसका लेते हैं मजा और चलते हैं भाई शिमला की तरफ। और भाई वो नजारा देखो भाई सामने यार, क्या मस्त लग रहे पहाड़ वहां पे। तो भाई शिमला पहुंचने वाले हैं, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास बचा होगा और भाई जाम लग चुका है। तो भाई यहाँ पर होल्डिंग पॉइंट बना हुआ है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, इसकी वजह से जाम लगा हुआ है और पता नहीं भाई क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, पिछले 15 मिनट से हम फंसे हुए हैं यहीं पर ही। तो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों रोक रखा था। और ये देखो भाई शिमला गेट, भाई शिमला पहुँच चुके हैं, वो रहा यार शिमला वहाँ पे, ये देखो भाई शिमला। और भाई साहब ये देखो यार मौसम, तो भाई हो सकता है नारकंडा में आज हमें स्नोफॉल मिल जाए। स्नो मिल चुकी है हमें, इंग्लिश वैसा। तो जी स्नो मिल चुकी है हमें कुफरी से पहले ही, अभी भाई देखते हैं स्नोफॉल मिलेगी या नहीं, स्नो तो मिल चुकी है। तो भाई ये देखो ये है कुफरी, और कुफरी में स्नो तो है तो, लेकिन यार काफी पुरानी है ये। तो भाई देखते हैं अभी नारकंडा में क्या होगा, हमें कितनी स्नो मिलेगी। तो भाई अभी अपन रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और भाई ये व्यू देखो यहाँ से, और नारकंडा भाई अभी भी बचा है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। और भाई ये स्नोफॉल हुई थी 1 तारीख के आसपास, और भाई आज भी हो सकती है, देखते हैं यार कैसा क्या रहता है। Cheers. Cheers. तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं नारकंडा, और भाई अभी एक यहाँ पे होटल देखते हैं, और ये है भाई नारकंडा, ये देखो जी। तो भाई नारकंडा पहुंच चुके हैं और भाई अपना रूम भी ले लिया हमने। तो भाई ये है अपना रूम, 2 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, और भाई करण ने अपनी जगह ले ली है, वैसे इस बेड पे सोऊंगा मैं और यहाँ पे सोए करण। और भाई ये रूम देखो भाई साहब, भाई बहुत अच्छा रूम है यार, काफी अच्छा रूम बना हुआ है, और भाई व्यू देखो यार रूम से। तो जी ये है व्यू अपने रूम से, और यार हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल चिल माइनस में टेम्परेचर, और भाई बता रहे हैं यहाँ पे रात को सब स्नोफॉल हो जाए, तो ये मौसम तो पैक है यहाँ पे, देखते हैं रात को क्या होता है। तो भाई वापस रूम में आ चुका मैं, बाहर तो यार इतनी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, बाहर नहीं रुक सकते, अब यहीं पे रेस्ट करेंगे अभी। तो भाई करते हैं वीडियो एडिट, और भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।